तो भाई बात कुछ ऐसी है ना कि ये जो मिनी पीसी वाली कैटेगरी थी ना, उसके ऊपर काफी टाइम से वीडियो ही नहीं आ रही थी, और तुम लोगों के कमेंट भी मुझे रेगुलर आ रहे थे कि भैया मिनी पीसी के ऊपर वीडियो लेकर आओ यार। तो बस देरी किस बात की थी, गर्मा गर्म मिनी पीसी लेकर आ गया हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ, सबसे कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो अपने को स्पेसिफिकेशन मिल रही है ना, उसके बाद भी इसके प्राइस बहुत ज्यादा कम है। तो बस देख लेते कि मिनी पीसी है कैसा यार। तो कुछ ब्लैक कलर का यहाँ पे डब्बा बना हुआ आ जाता है, मिनी पीसी के ऊपर ब्रांडिंग है। बाय द वे इस मिनी पीसी का नाम ना फ्यूरी है। अब डब्बे में से सबसे पहले अपने को अपना मिनी पीसी मिलेगा, उसके अलावा एक एचडीएमआई की केबल मिलेगी, मॉनिटर के पीछे माउंट करने वाले कुछ स्टैंड मिलेंगे, और साथ में कुछ स्क्रू भी अपने को दे रखे है। और ये स्टैंड का काम क्या है भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो भी नॉर्मल यहाँ पे मॉनिटर या एलईडी टीवी आती है ना, उसके पीछे आप इसको डायरेक्टली माउंट भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा अपने को क्लीन सेटअप मिले और एलईडी के पीछे ही ये लगकर यहाँ पे ऑपरेट हो जाए। एंड देन सबसे आखिरी में अपने को पावर केबल के साथ एक बड़ी सी ईट मिलती है। इसका वैसे दो काम है, एक तो इस मिनी पीसी को चलाना, और दूसरा कभी भी आपकी लड़ाई हो जाती है, घुमा के फेंक देना, सामने वाला का सर ही फूटेगा, इस एडॉप्टर को कुछ नहीं होएगा। और हाँ, ये वाला जो अपना एडॉप्टर है ना, ये 120 वोल्ट का है। तो मिनी पीसी कुछ इस टाइप से अपने पास आएगा। आगे अपने को स्कल सेंट्स के यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट और बैक साइड में अपने को अंधाधुन इसके अंदर पोर्ट मिल जाते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में ना ये मैश दे रखा है, ताकि एयर फ्लो इसके अंदर प्रॉपर हो सके और ये ज्यादा गर्म नहीं हो। और नीचे की तरफ ना अपने को एक बड़ा सा फैन भी दिखता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर अपने को दे रखा है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसको ना ठंडा रखने के लिए जरूरत पड़ती है। कैसे इशारे कर रहा था। और ऊपर की तरफ अपने को क्लीन डिजाइन मिल जाएगी। वैसे ये मिनी पीसी ना भाई बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और आराम से आप इसको कैरी करके ले जा सकते हो। अब इसके अंदर ना भाई अपने को अंधाधुन स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। जैसे कि रैम की अगर मैं बात करूं, तो 32 GB की इसके अंदर DDR5 की 5600 MHz की रैम है, जो कि 2 स्लॉट के अंदर डिवाइडेड है। एंड स्टोरेज इसके अंदर 1 TB की अपने को दे रखी है, NVMe M.2, और ये भी 2 स्लॉट में है। एंड इसके बाद प्रोसेसर, जो कि एक कंप्यूटर की जान होती है, तो इसके अंदर अपने को राइजन के 7 सीरीज का यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है, जिसका मॉडल नंबर है 7840HS। और ये जो HS है ना, ये हाई परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर ये 7th जनरेशन का है, और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस अपने को निकाल के देता है। ये प्रोसेसर अपना 8 Core 12 Thread का है, और इसके अप टू क्लॉक स्पीड यहाँ पे 5.1 GHz है। तो थोड़ा तसल्ली लेके सोचो कि इतने नन्हे से डिवाइस में 5 GHz की परफॉर्मेंस अपने को मिल रही है, कमाल की बात है यार। एंड या इसके अंदर अपने को GPU भी मिलता है, जो कि Radeon का 780M है। मैं बात करूं तो NVIDIA के जो यहाँ पे GTX 1650 Ti जो ग्राफिक कार्ड आते हैं ना, लगभग आपको सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट भी अटैच कर रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो कि ज्यादा अपने को ना डिफरेंस नहीं मिलता है। और एक बात ने मुझे सरप्राइज करा है कि ये वाला जो मिनी पीसी है, इसके अंदर अपने को डेडिकेटेड NPU भी मिलता है। अब NPU ना बेसिकली AI टास्क करने में ज्यादा यूज होता है, या फिर अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो मिनी पीसी में, तो आपका ना NPU यूज होता है। नहीं क्या मतलब कि पीसी को रिप्लेस कर देगा, हो भी सकता है यार। एंड अदर जो कनेक्टिविटी अपने को मिलती है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। अब स्पेसिफिकेशन तो इसके अंदर एक नंबर है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये अपने को क्या क्या काम करवा के दे सकता है, तो ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा ये समझ लो कि एक मिनी पीसी की जरूरत क्यों है हम सभी को। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर को बिल्ड कराने की सोच रहे हो, तो उसके कंपेयर में एक मिनी पीसी भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये ना छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट साइज है, पोर्टेबल है, तो आप आराम से इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। साथ में मिनी पीसी का एक फायदा ये भी रहता है कि कम प्राइस में अपने को एक अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, तो इसके ना मल्टीपल यूज केस है। और जहां तक बात इसे फ्यूरी मिनी पीसी की हो ही रही है, तो फ्रंट साइड में ना भाई अपने को मल्टीपल पोर्ट मिल जाता है, जिसमें से 2 USB पोर्ट यहाँ पे 3.2 के है, एक टाइप सी का इसके अंदर पोर्ट दे रखा है, जो कि PCIe 4.0 आर्किटेक्चर पे बेस है। ये डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है, और इसके अंदर से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। एंड इसके अलावा ऑडियो जैक और पावर बटन अपने को फ्रंट में मिलता है। और पीछे की तरफ मैं बात करूं, तो भाई इसके अंदर अगेंस्ट अपने को 2 USB के पोर्ट मिलते हैं, जो कि 2.0 वाला है। ये बेसिक से है, एक HDMI का पोर्ट मिलेगा, एक DP पोर्ट मिलेगा। और DP पोर्ट से मुझे याद आया कि यार ज्यादातर लोग DP पोर्ट को यूज करते नहीं है। खैर, अगर आप DP पोर्ट का यूज करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एक बात ना आपका ध्यान यहाँ पे खींचा होगा कि इसके अंदर भाई अपने को 2 लेन के पोर्ट मिलते हैं, और ये जो दोनों लेन के पोर्ट है ना, ये 2.5 GBPS को सपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2 लेन को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो स्पीड डबल, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये जो 2 लेन पोर्ट है ना, ये फायरवॉल सिक्योरिटी में काम आते हैं, ये जो IT वाले लोग हैं उनके काम आता है भाई। और आखिर में अगेंस्ट अपने को एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जो कि डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। और ये जो नीचे रबड़ जैसा अपने को इसका पार्ट मिलता है ना, इसको जैसे आप खींचोगे ना, तो ये मिनी पीसी पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट उनको आप डायरेक्टली देख भी सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। अब भाई मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस मिनी पीसी के अंदर अपने को 32 GB की रैम मिलती है, और 32 GB बहुत ज्यादा होती है। तो सवाल यहाँ पे आ जाता है कि इसके अंदर अपने को परफॉर्मेंस कैसे मिलती है, क्या क्या काम इस पर अपन कर सकते हैं, कौन सी विंडो है,
और कौन कौन से सॉफ्टवेयर ये सपोर्ट करेगा। तो भाई एक बात मैं बता दूं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर अपने को दे रखा है ना वो बहुत ज्यादा कैपेबल है। आप इसमें सारे टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इसके अंदर 4K एडिटिंग आराम से कर सकते हो, 3D मॉडलिंग या डिजाइन वाले जो काम होते हैं तो वाले जो पर्टिकुलर काम होते हैं वो भी आराम से हैंडल कर लेता है। सिमिलर यहाँ पे जो म्यूजिक प्रोडक्शन की जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हैंडल कर लेता है, और साथ में फोटोशॉप की मैं बात करूं तो उसको तो ये आराम से हैंडल करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लगभग इसके अंदर सारे टाइप के सॉफ्टवेयर को आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसके अंदर वीडियो एडिटिंग करते हो तो वह ना आपके लेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप कितने लेयर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपकी फुटेज की जो बिट रेट है वो कितनी बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें ना मायने रखती है, ये 4K एडिटिंग करवा देगा लेकिन वो आपके लेयर के ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए। और जहाँ तक बात यहाँ पे मल्टीटास्किंग की है, मतलब सुनना है मेरे मुँह से अभी भी भाई 32 GB की रैम मिल रही है, कहाँ लेके जाओगे इतनी रैम। भाई मल्टीटास्किंग के अंदर एक तरफा होती है बड़े बड़े गेम और सॉफ्टवेयर को आप इसके अंदर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। अब इसका जो प्रोसेसर है ना भाई, उसका थोड़ा मैंने बेंचमार्क टेस्ट भी यहाँ पे करके देखे, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा कैपेबल है। तो सबसे पहले अपना जो गे के बेंच का यहाँ पे सिंगल स्कोर है वो 2465 था, और मल्टी स्कोर इसका 12,774 था, और 3D मार्क का जो स्कोर है वो 7,972 था, और सिमिलर यहाँ पे टाइम स्पाई का जो स्कोर था वो 3,347 था। अब इस वाले टेस्ट को थोड़ा सा मैं ब्रेकडाउन करता हूँ। तो यहाँ पे जो i7 का 13 जनरेशन का जो प्रोसेसर होता है ना, ये मिनी पीसी उससे ज़्यादा पावरफुल है। और सिमिलर एप्पल के अंदर जो M1, M2 Pro और M3 Pro जो चिपसेट यूज होती है ना, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ये अपने को निकाल के देगा। तो प्रोसेसर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमाल का है, और इसी वजह से जो इसके अंदर अपने को गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलती है ना वो कमाल की है। मतलब साइबर पंक जैसा एक बड़ा गेम, अनऑप्टिमाइज गेम और हाई ग्राफिक वाला गेम ये आराम से हैंडल कर लेता है। तो एक छोटा सा मैंने गेम टेस्ट भी करा है, तो एक बार आप उसकी तरफ नजर डाल लो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइबर पंक टेस्ट करा था, तो 1080p पे मुझे 48-50 FPS यहाँ पे मिल गए थे। देन उसके बाद मैंने COD वॉर जोन इसके अंदर इस्तेमाल करा, जो कि यार 100 GB से प्लस का है, एंड इसको भी मैंने 1080p के ऊपर टेस्ट करा था जिसके अंदर मुझे 60-65 FPS आराम से मिल गए। देन उसके बाद मैंने रेड डेड 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिसोर्स और हाई ग्राफिक वाला गेम है, उसको भी मैंने 1080p पे प्ले करा था, तो मुझे 51-60 FPS के बीच में आराम से मिल गए। एंड उसके अलावा भी मैंने मल्टीपल गेम इसके अंदर ट्राई करे, जैसे कि अपना फोर्जा होराइजन 4 है, उसको मैंने इसके अंदर प्ले करके देखा, कमाल की स्पीड मिल रही थी। और एक चीज़ नोटिस करो, गेम प्ले यहाँ पे हो रहा है, साइड में जो आपको रिसोर्स मॉनिटर दिख रहा है ना उसके अंदर इसका GPU और प्रोसेसर दोनों यहाँ पे पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो भी अपने को बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है। डेड मीन्स इसका प्रोसेसर बड़े से बड़े गेम को आराम से हैंडल कर सकता है। और फोर्जा होराइजन 5 को 1080p पे जब मैंने प्ले करा तो वो 80-85 FPS मुझे निकाल के दे गया यार। और GTA 5 गेम जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, नॉर्मल से नॉर्मल PC में भी चली जाता है, तो उस गेम को जब मैंने इसके अंदर चला के देखा तो 1080p पे मुझे 75-80 FPS आराम से मिल गए थे GTA 5 गेम में। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, 2-3 गेम मैंने और इसके अंदर ट्राई करे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हाई रिसोर्स को वो कंज्यूम करते हैं और हाई इंटेंसिव ग्राफिक और रियल इंजन 3 के ऊपर वो बेस्ड है, और इतने हैवी गेम को भी इस कंप्यूटर ने आराम से यहाँ पे हैंडल कर लिया था। तो सीधी सी बात है कि जब साइबर पंक जैसा गेम इसमें चल सकता है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज देना वाला हूँ कि ये जो अपना कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर अपग्रेडेबिलिटी के अपने को क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो इसके अंदर वैसे अपने को 32 GB की रैम मिलती है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसको यहाँ पे 256 GB में अपग्रेड कर सकते हो। 256 GB भाई, इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे ये मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल किसी ने करके अभी तक देखा नहीं है। एंड मेमोरी की मैं बात करूँ तो आप इसके अंदर 8 TB तक अपग्रेड कर सकते हो, और अपने को फ्रंट में जो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलता है इसके जरिए अपन एक्सटर्नल GPU को यानी कि एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड को भी इसके अंदर चला सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ ना इतनी प्रैक्टिकल है नहीं, लेकिन ऑप्शन अपने को जरूर मिल जाता है अपग्रेडेबिलिटी में। तो भाई ये बात तो अपने को देखो साफ साफ पता चल रही है कि मिनी पीसी में दम है। अब इसके अपन प्राइस भी यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन अब प्राइस बताने से पहले एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करता हूँ। देखिए अगर आप सिमिलर प्रोसेसर के लैपटॉप अमेजोन के ऊपर ढूंढते हो, जैसे कि अपना HP विक्टर्स है, तो वो 82,000 रुपीज़ का भाई, और अगर आप लेनोवो का लोग भी लोगे ना तो वो भी 78,000 का है, और कुछ लैपटॉप सेम प्रोसेसर के साथ 1,00,000 रुपये से भी ऊपर के है। हाँ वो बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लैपटॉप से इसका कॉम्पिटिशन अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप में स्क्रीन आती है, कीबोर्ड माउस आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, और इसके कंपेयर में इसकी प्राइस आप सुनोगे ना तो आपको थोड़ी सी कम लगेगी। अब देखो यार जो मिनी पीसी है ना इसकी प्राइस मैं यहाँ पे थोड़ा सी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं से थोड़ी सी गलत नोट डाउन हो गई थी वो, और मैं गलत प्राइस आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ। देखो इसके अंदर ना अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है बेयरबोन जिसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज नहीं मिलेगी, तो अगर आप बेयरबोन इसको खरीदते हो तो ये 57,999 रुपीज़ का है, और अगर आप 32 GB 1 TB के साथ इसको लेते हो तो ये सेम मिनी पीसी आपको 68,999 रुपये में मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से ना ठीक प्राइस है, और आगे चल के आप देखोगे कि इसके अंदर भी अपने को डिस्काउंट मिलेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई
68,000, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भैया? तो भाई तुम ये सोचो कि राइजन का 7th जनरेशन का प्रोसेसर, वो भी HS वाला, 32 GB की रैम, ये सारी चीजें जब आपको मिल रही है इतने छोटे से डिवाइस में, तो भाई इसके अंदर R&D होती है, इसके अंदर पैसा खर्च होता है कंपनी वालों का, तो उस वजह से ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। मैं इस वाली वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये मिनी पीसी महंगा है, ये बात मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइस से मैं लिटरली इंप्रेस हुआ हूँ। और यार जो मिनी पीसी है ये आपको electronicsindia.com पे मिल जाएगा, और इसका नाम फ्यूरी बाय स्कल सेंट्स है। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया 68,000 रुपये का कंप्यूटर एक नए ब्रांड से लेना क्या सही है? तो एक कमाल की बात बताऊं, ये जो कंपनी है ना, इनके मिनी पीसी यहाँ पे इसरो के कुछ प्रोजेक्टर में भी यूज हुए हैं। मतलब इसरो ने एक डेमो बनाया था जो कि मून के ऊपर लैंड होने वाला था, और वो जो पूरा का पूरा आप डेमो देख रहे हो ना, उसके अंदर स्कल सेंस के मिनी पीसी ही यूज हुए हैं। क्योंकि स्कल सेंस के जो मिनी पीसी होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं, पावरफुल होते हैं, और साथ में ना ये कॉम्पैक्ट भी होते हैं। तो जब इसरो जैसे कॉम्पिटिशन में इनके मिनी पीसी जा रहे हैं भाई, और मून लैंडिंग के लिए इनका मिनी पीसी यूज किया जा रहा है एज अ ब्रेन, आप सोच सकते हो कि ये कितनी रिलायबल कंपनी है। तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी या कोई बात आपको अच्छी लगी तो मुझे वो भी कमेंट करके बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना साथ साथ।